इम्पोर्टेंट लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है वो देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काफी एक सिंपल सा लॉ है, ये भी यूज्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए प्लस बी सी जो है हमारे पास उसे कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी ब्रैकेट इंटू कर दो ए प्लस सी। तो आपको क्या रखना है, ए प्लस बी सबसे पहले देखो लिख दिया हमने, फिर उसके बाद डॉट लगा दो, फिर ए और सी देख दो, बी को बिलोंग कर दो। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे मेरे पास ए प्लस बी सी डी, ओके, तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, ये आप इसे एक सिंगल सी और डी, सी इंटू डी को आप एक सिंगल कोई सा भी सिग्नल ले लो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी, ओके, इंटू ए प्लस सी डी, ए प्लस सी डी, ए प्लस बी, ओके। तो अगेन आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटर लगा दो ए प्लस सी और ए प्लस डी, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर दो, सिग्नल जो कि आपका बुलियन एक्सप्रेशन उसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ओके। तो ये एक लॉ था हमारे पास जिससे आप बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे पास, जैसे आपके पास कोई ट्रुथ टेबल दे दिया जाए, ओके, तो आप उसे कैसे बुलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करोगे, एक ट्रुथ टेबल को कैसे एक बुलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करोगे उसकी बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन ट्रुथ टेबल, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ टेबल। Representation of truth table. Okay. हमारे पास दो मेथड होते हैं किसी भी ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहला होता है एसओपी और दूसरा होता है हमारे पास, ये पहला मेथड, दूसरा है पीओएस। एसओपी क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, और पीओएस क्या, हमारे पास पीओएस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, ओके। तो हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ टेबल की, आप एक ट्रुथ टेबल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो एक बुलियन एक्सप्रेशन में। उसके लिए दो मेथड है हमारे पास, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, ओके। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझना आसान होता है इसे। तो अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ ए बी, मेरे पास उसका आउटपुट है ए डॉट बी, ओके। मेरे पास लेट्स सपोज कर लें हमारे पास आउटपुट है क्या, रैंडम आउटपुट है हमारे पास, कोई हमें जो भी सर्किट है वो अननोन है, ओके। तो हमें पता नहीं है उसका आउटपुट कैसा होगा, हम सिंपली हमें ट्रुथ टेबल दे दिया गया 0001 1011, ओके, और उसका आउटपुट दे दिया 1001, ओके। तो हमारे पास एक ट्रुथ टेबल है, हमें नहीं पता किस सर्किट का ट्रुथ टेबल है, सर्किट किस टाइप का था पता नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रुथ टेबल दे दिया गया, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे एज ए फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, और बुलियन एक्सप्रेशन को देख के हम बताएंगे कि ये किस टाइप का सर्किट है, ओके। क्योंकि आप ट्रुथ टेबल से देख के एक ट्रुथ टेबल को देख के बता नहीं सकते कि सर्किट किस टाइप का है, लेकिन आप एक बुलियन एक्सप्रेशन को देख के बता सकते हो कि आपका सर्किट किस टाइप का है, और उसे आप बुलियन एक्सप्रेशन देख के सर्किट को ड्रॉ भी कर सकते हो, ओके। तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हम एसओपी की बात करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट की, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास आउटपुट है 100, इनपुट है 00, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मैं अगर मैं आउटपुट लिखूं, अगर मैं 1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर इनपुट को लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं, तो वो लिखूंगा मैं ए बार डॉट बी बार, ओके, ए बार डॉट बी बार। कैसे लिखा मैंने, एसओपी में अगर ध्यान रखें, एसओपी में आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास 0 है तो उसे आप रिप्रेजेंट करोगे ए बार से, अगर आपके पास 1 है तो उसे आप रिप्रेजेंट करोगे ए से, ओके। तो एसओपी में आपको ध्यान रखा, अगर आपके पास 0 है, इनपुट में 0 है तो उसे ए बार से रिप्रेजेंट करोगे, अगर आप इनपुट में 1 है तो उसे ए से रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पर भी मैं सेम कर रहा हूँ, मेरे पास 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इनपुट है, इनपुट लिख रहा हूँ बेसिकली मैं, ये क्या हमारा ए डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार जो है हमारा इनपुट है,
ओके तो अगर मैं इनपुट का देखूं तो इनपुट है मेरे पास क्या, ए क्या है जीरो, इसका मतलब ए बार, बी क्या है जीरो, इसका मतलब बी बार, और दोनों का प्रोडक्ट कर दिया मैंने। ओके तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। ओके तो मैंने इनपुट लिख दिया वन के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी बार, अगर मैं जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग लिखूं तो क्या होगा मेरे पास, ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए बार और बी के कॉरस्पॉन्डिंग बी। अब जीरो के जीरो आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट क्या होगा मेरा, ए बी बार और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए बी। ओके तो इस तरह से मेथड है आपको इनपुट किसी भी आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे इनपुट लिखना है। ओके तो ये मैंने लिख दिया हर आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका इनपुट था उसे बुलियन एक्सप्रेशन में मैंने लिख दिया। ओके अब बात करते हैं कि इस पूरे ट्रुथ टेबल का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ट्रुथ टेबल का बुलियन एक्सप्रेशन में क्या हमने क्या कर दिया था, सम एसओपी क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमने कर दिया, अब हमें क्या करना है बेसिकली सम कर रहे हैं। ओके तो क्या करना है सम करना, तो सम का क्या जितने भी हमारे एक्सप्रेशन सबका सम कर दें, नहीं सम सिर्फ और सिर्फ आपको उन एक्सप्रेशन का करना है और उन इनपुट एक्सप्रेशन का करना है जिनमें आउटपुट आपका वन आ रहा है। ओके तो अगर मैं आउटपुट देखूं तो मेरे पास ये आउटपुट वन है, ये आउटपुट वन है, तो आपको जो भी आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन है इनपुट के इनपुट के लिए अगर आपके पास कोई ट्रुथ टेबल है ओके और आप सम कर रहे हो तो आपका सम करते वक्त सिर्फ और सिर्फ उन टर्म्स को सम करोगे जिनके लिए आउटपुट क्या आपका वन है। तो अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल लिखूं, बुलियन एक्सप्रेशन लिखूं पूरे ट्रुथ टेबल के लिए, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका एडिशन करना होगा ए बी, ए बार बी बार प्लस ए बी। ओके ए बार बी बार प्लस ए बी। ओके तो एडिशन आप किसका करोगे, एडिशन सिर्फ और सिर्फ उसका करोगे जिसके लिए आउटपुट आपका वन है। ओके अब ये मैंने पूरे ट्रुथ टेबल का एक बुलियन एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इस बुलियन एक्सप्रेशन को देख के आप बता सकते हो कि आपका जो सर्किट था वो किस टाइप का रहा होगा। अगर मैं इस बुलियन एक्सप्रेशन को देखूं तो मैं इजीली बता सकता हूँ ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो किसका है, एक्स नॉर का है, यानी जो भी ये ट्रुथ टेबल है वो किसका है, एक्स नॉर का है। तो अगर मुझे पूछा जाए कि इस ट्रुथ टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग आप एक सर्किट डिजाइन करो, तो आपको कुछ नहीं करना, एक एक्स नॉर का सिंबल क्रिएट करना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट देना है ए और बी और आउटपुट में दिखा देना है ए बार बी बार प्लस ए बी। तो उसके तो इस तरह से आप एक ट्रुथ टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग एक सर्किट ड्रॉ कर सकते हो। ओके अब बात करते हैं हम पीओएस की, पीओएस से कैसे हम एक ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं पीओएस देखूं, मैं सेम ट्रुथ टेबल ले रहा हूं। ओके तो अगर मैं पीओएस से रिप्रेजेंट करूं तो कैसे कर सकता हूं मैं POS के लिए, क्या है POS के लिए सबसे पहले आपको सम करना होगा, फिर बाद में उन सबका प्रोडक्ट करना। हमने SOP में सेम किया था ना, SOP में हमने क्या किया था, सबसे पहले प्रोडक्ट किया उसके बाद हमने सम कर दिया जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वन था। ओके तो POS जो है वो SOP का बिल्कुल उल्टा है, जहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है वहाँ पर सम करना होगा, जहाँ पर सम होगा वहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना है, जिसको हमने जीरो कहा था उसे वन कहना होगा, जहाँ पर हमने जीरो सम करते वक्त जहाँ पर हमने जीरो वन देखा था उसके लिए हमें जीरो देखना पड़ेगा। और ओके तो हम सबसे पहले देखते हैं POS में क्या है, POS में मैं लिखवा देता हूँ, POS में अगर आपके पास जीरो है तो उसे आप A के टर्म में लिखोगे, अगर आपके पास वन है तो A बार लिखोगे। ये बिल्कुल उल्टा है हमारे पास SOP में हमने क्या किया था, जीरो को A बार लिखा था, वन को A लिखा था। ओके तो ये बिल्कुल उल्टा है, आपको ध्यान रखना है। ओके तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सम करते हैं, सम करेंगे तो क्या होगा हमारे पास a जीरो है तो हमें क्या करना a प्लस बी। ओके तो a प्लस बी, अब जीरो कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा a प्लस बी बार, इसके कॉरस्पॉन्डिंग a बार प्लस बी। ओके इसके कॉरस्पॉन्डिंग a बार प्लस बी बार, ए क्या था हमारा वन था, वन को हम क्या करेंगे ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे, बी क्या था वन था, वन को हम किससे बी बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया सम कर दिया हमारे इनपुट्स जितने भी थे आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो मैंने सम कर दिया। अब हमें क्या करना प्रोडक्ट करना, तो प्रोडक्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट करते वक्त अगर आप POS फॉर्म में यूज कर रहे हो, POS फॉर्म को यूज कर रहे हो, तो प्रोडक्ट को सम का प्रोडक्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ उन टर्म्स का प्रोडक्ट करोगे जिनके लिए आपका आउटपुट जीरो होगा। ये बिल्कुल उल्टा है POS के टर्म SOP में, जैसा हमारा हम वहाँ पर वन देखते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे जीरो देखेंगे। ओके तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूँ तो प्रोडक्ट करने के लिए जिसके लिए जीरो है जीरो जीरो, तो इसका क्या हो जाएगा ए प्लस बी बार, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जीरो है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जीरो है, इंटू ए बार प्लस बी बार।
ओके, तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया ट्रुथ टेबल के लिए। अब इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मैं सिंप्लीफाई कर ले तो सिंप्लीफाई करूँ तो ए डॉट ए बार प्लस ए बी प्लस बी बार ए बार प्लस ए बी बार बी। ओके, तो ये हमारा जीरो होता है ए, और ये भी हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया ए बी प्लस बी बार ए बार। ओके, तो ये इसे देख के मैं बता सकता हूँ ये क्या है हमारे पास, बेसिकली क्या है, एक एक्स नॉर गेट है। ओके, तो ये कुछ मेथड्स हैं, दो मेथड आपके पास, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसके थ्रू आप ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हो एक बुलियन एक्सप्रेशन से, और उस बुलियन एक्सप्रेशन को देखकर आप एक सर्किट भी डिजाइन कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद हम कुछ और देखते हैं इस पर टॉपिक्स। हमारे पास है एक जनरली एक दो क्वेश्चन लास्ट ईयर जेएम में कुछ सालों पहले एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, जो था हमारे पास उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन सेम नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आप इससे अगर समझ लेते हो तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, ए बी और हमारे पास एफ है। ओके, तो ये हमारा बेसिकली क्या, इसे कहते हैं हम इस सर्किट को बबल्ड एंड गेट। ओके, और एक होता है हमारे पास बबल्ड और गेट। तो वो कैसा होगा, और गेट और बबल ए बी। ओके, तो हमारे पास बबल और गेट है और ये बबल एंड गेट है। ओके, तो इसे देख के आप बता नहीं सकते कि सर आपका आउटपुट क्या होगा। ओके, तो इसका सबसे पहले आउटपुट देखते हैं, और आउटपुट देख सकते हैं क्या करते हैं आउटपुट का। तो सबसे पहले इसका आउटपुट ही निकाल लेते हैं। तो अगर मैं आउटपुट निकालूँ तो आउटपुट क्या करना है आपको, सबसे पहले इसे ब्रेक करना है बेसिक्स लॉजिक गेट में। तो हमारे अगर बेसिक्स लॉजिक गेट में ब्रेक करूँ तो ए बार, ये मेरे पास बी बार। ओके, ये क्योंकि नॉट गेट है, नॉट गेट से पास होने के बाद ए बार, और नॉट गेट से पास होने के बाद बी बार। अब आगे जो फर्दर मूव कर रहा है तो वो किससे मूव कर रहा है, एंड गेट से मूव कर रहा है। तो एंड गेट से मूव करने के बाद मेरा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट जाएगा मेरे पास ए बार डॉट बी बार। ओके, तो ये मुझे आउटपुट क्या मिला, ए बार डॉट बी बार। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे को इनपुट क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं नॉट को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दूँ तो मुझे इनपुट मिलेगा ए, आउटपुट मिलेगा ए बार बी बार। ओके, और गेट से पास होने के बाद आउटपुट क्या मिल जाएगा, ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू ए। ओके, तो फर्स्ट के लिए मुझे इनपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है ए बार डॉट बी बार। ओके, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मिलेगा, यूजिंग डी मॉर्गन लॉ, अगर मैं यूज करूँ डी मॉर्गन लॉ यूज करूँ तो मुझे मिलेगा ए बार ए प्लस बी का। ओके, तो डी मॉर्गन लॉ से हमने पढ़ा था ना, एक एडिशन में ए प्लस बी का होल बार क्या होता है, ए बार डॉट बी बार। तो ये कन्वर्ट हो गया ए प्लस बी बार। अगर मैं इसको देखूँ तो ये बेसिकली क्या मेरे पास, ये मेरा है नॉर गेट, ये हमारा क्या है नॉर गेट। ओके, अब इसको देखता हूँ, अगर इसको देखूँ तो मेरे पास आउटपुट है ए बार प्लस बी बार। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी का कंप्लीट बार, ये अगेन डी मॉर्गन लॉ से। अब इसको देखो तो ये मेरे पास क्या है, नैंड गेट है, ये मेरे पास क्या है, नैंड गेट। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका बबल एंड गेट होता है वो नॉर गेट की तरह बिहेव करता है, और आपका जो बबल और गेट होता है वो नैंड गेट की तरह बिहेव करता है। तो इस पर एक क्वेश्चन आया था जेम में, आप उसे देख सकते हैं, वो असाइनमेंट में भी होगा। ओके, तो बबल एंड गेट जो होगा वो नॉर गेट होगा, और बबल और गेट जो होगा वो नैंड गेट होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब बात करते हैं हम कुछ और मेथड जिससे हम बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आप एक बुलियन एक्सप्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, तो हमारा एक मेथड है KMAP। ओके, तो के मैप में क्या होता है, कुछ स्टेप्स हैं उसे देख लेते हैं। स्टेप्स अगर मैं देखूं, स्टेप्स सबसे पहले
हमारा है सबसे पहले है आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स. ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स. ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, ड्रॉ के मैप यूजिंग बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल. ओके, इसके बाद ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, थर्ड जो स्टेप है उसके बाद आपको करना है ट्राई टू फॉर्म हेक्सा क्वाड एंड पेयर हेक्सा क्वाड पेयर. ओके, टू फॉर्म हेक्सा क्वाड एंड पेयर और पेयर. ओके, ये आपका थर्ड स्टेप है. उसके बाद फोर्थ स्टेप है राइट बुलियन एक्सप्रेशन फॉर कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म्ड ग्रुप. ओके, ये जो मैंने थर्ड स्टेप में जो लिखवाया ट्राई टू फॉर्म हेक्सा क्वाड एंड पेयर, इसको आपको सीक्वेंस में फॉलो करना है. सबसे पहले आप ट्राई करोगे कि हेक्सा बनाने की कोशिश करो, अगर वो नहीं बनता तो आप क्वाड बनाने की कोशिश करो, क्वाड नहीं बनता तो पेयर बनाने की कोशिश करो. तो क्वाड क्या है बेसिकली, क्वाड है ग्रुप ऑफ फोर एलिमेंट. ओके, और हेक्सा है आपका ग्रुप ऑफ टू द पावर टू ग्रुप ऑफ एट एलिमेंट और आपके पास है पेयर, तो पेयर क्या आपके पास ग्रुप ऑफ टू एलिमेंट जो कि होता है टू द पावर वन. तो आपको इस ऑर्डर में फॉलो करना है, सबसे पहले हेक्सा फॉर्म करने की कोशिश करो, उसके बाद क्वाड, क्वाड के बाद पेयर. ओके, तो आपको कोशिश करना है कि आप बिगर ग्रुप फॉर्म करने की कोशिश करें, उससे क्या होता है वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर सकते हो. वेरिएबल एलिमिनेट हो गया तो आपका बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा. ओके, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इसे हम अप्लाई करेंगे के मैप सॉल्व करते वक्त, के मैप से बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते वक्त, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम एक एग्जांपल से समझते हैं. ओके, तो जैसे कि मेरे पास सबसे पहले हम बात करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन में, इस जो हमारा स्टेप फोर है, स्टेप फोर को सबसे पहले समझते हैं. स्टेप फोर में क्या है, ABCD. ओके, तो 0001110. ओके, तो लेट सपोज हमारे पास के मैप इस फॉर्म में है 1 1 1 1 और 1 1 और 1. तो इस तरह से हमें एक के मैप गिवन है. के मैप कैसे ड्रॉ करेंगे वो बाद में बात करते हैं, पहले हम स्टेप फोर को समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो स्टेप फोर में देखो, तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, हेक्स ड्रॉ करना है, या फिर अगर वो नहीं ड्रॉ होता तो क्वाड ड्रॉ करना है, क्वाड नहीं हो रहा था पेयर ड्रॉ करना है. एक चीज़ आपको ध्यान रखना, के मैप में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं तो आप जो भी लिखोगे 0001 1 1 1 1 0, तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है. 0 0 सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद 0 1 लिखोगे, 1 1 लिखोगे, फिर 1 0 लिखोगे. तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है. अगर आपके ऊपर भी दो वेरिएबल हैं तो 0 0 0 1 1 1 1 0, तो ये पैटर्न आपको याद रखना है. ओके, आप स्टेप फोर अप्लाई करते हैं, सबसे पहले क्वाड फॉर्म करने के बाद हेक्स फॉर्म करने के बाद करते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट, एट एलिमेंट. तो अगर एट एलिमेंट तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, हम एट एलिमेंट फॉर्म नहीं कर सकते ग्रुप में. ओके, तो हम क्या करते हैं क्वाड फॉर्म करने की कोशिश करते हैं. क्वाड अगर मैं देखूँ तो एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और इधर से,
मैं एक क्वाड फॉर्म कर सकता हूं मैं, ओके। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो एंड्स होते हैं ना, ये माना जाता है कि जो आपका के मैप होता है एक सर्कुलर होता है, ओके। तो इनके जो एंड्स होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। आपने मैप देखा होगा, मैप के दोनों एंड्स जो होते हैं एक्चुअल में उनके एंड्स जो होते हैं वो सर्कुलर होने की वजह से आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी होता है, एक्चुअल में ये कटा हुआ ना होगा बल्कि ये सर्कुलर फॉर्म में, इसलिए ये वाले जो एंड्स है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ओके। ये वाले भी जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए 1 1 1 1 ये क्वाड फॉर्म कर लेता है, ओके। तो ये हमारा एक क्वाड फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं कुछ और एलिमेंट, दूसरा क्वाड फॉर्म नहीं हो सकता, तो क्वाड फॉर्म नहीं हो सकता तो पेयर की फॉर्म बात करते हैं। पेयर एक फॉर्म हो जाएगा और दूसरा पेयर फॉर्म हो जाएगा, ओके। तो एक पेयर फॉर्म हो गया, दूसरा पेयर फॉर्म हो गया। तो इस तरह से आप एक क्वाड ड्रॉ करोगे, क्वाड फॉर्म करने की कोशिश करोगे, अगर नहीं होता तो पेयर फॉर्म करने की कोशिश करोगे, ओके। तो ये हमारे पास कुछ मेथड, एक बात ध्यान रखें, जैसे कि अगर आपके पास ये वाला एलिमेंट है, अगर यहाँ पे वन है और यहाँ पे वन है, तो आप इस तरह से पेयर फॉर्म नहीं कर सकते, ओके। तो पेयर आप फॉर्म करने के लिए आपको एक चीज़ें याद रखनी है कि पेयर आप या तो वर्टिकली फॉर्म करोगे या हॉरिजॉन्टली फॉर्म करोगे, आप किसी अदर एंगल पे फॉर्म नहीं कर सकते। या तो आपको जो भी आपको पेयर फॉर्म करना है या तो वर्टिकल होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, आपको ऐसे किसी भी एंगल पे फॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप फॉर्म करते हो तो आप उसका बुलियन एक्सप्रेशन नहीं ले सकते, ओके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज और होती है इसमें, रिडंडेंट ग्रुप। रिडंडेंट ग्रुप क्या होता है उसको देख लेते हैं। रिडंडेंट ग्रुप बेसिकली, जैसे कि हमारे पास, अगर मैं सपोज करूंगा मेरे पास एक एलिमेंट है यहां पर, अगर मैं सपोज कर लेता हूं मेरे पास एक एलिमेंट है यहां पर, ओके, और मैंने यहाँ पर एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, ओके, ग्रुप फॉर्म कर लिया। तो रिडंडेंट ग्रुप बेसिकली वो ग्रुप होता है जिसके सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे किसी और ग्रुप के एलिमेंट ऑलरेडी होते हैं, ओके। तो अगर मैं इस ग्रुप को देखूँ, अगर मैंने जैसे मैंने येलो लाइन से ड्रॉ कर रखा है, अगर इस ग्रुप को देखूँ तो इसके सारे के सारे एलिमेंट किसी दूसरे ग्रुप के पार्टिसिपेंट है, ओके। तो अगर मैं इसको देखूँ तो वन इसका इस ग्रुप का मेंबर है और इसका वन इस ग्रुप का मेंबर है, तो मैं इस वाले जो येलो लाइन से मैंने ड्रॉ कर रखा है वो एक रिडंडेंट ग्रुप है। तो रिडंडेंट ग्रुप के लिए आप बुलियन एक्सप्रेशन नहीं लिखोगे, ओके। तो ये वाला जो पेयर है वो माना नहीं जाएगा, ओके। तो ये वाला पेयर आपका माना नहीं जाएगा, ओके। अब बाय चांस आपने क्या कर दिया, एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, एक आपने ग्रुप फॉर्म कर लिया, मैं यही समझाता हूँ। जैसे कि आपने एक ग्रुप फॉर्म किया, लेट सपोज आपने एक ग्रुप फॉर्म किया, वन, ओके, ये मैंने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, ओके। तो अगर मैं इसको देखूं तो इन दोनों ग्रुप को देखते हो, इस ग्रुप में क्या है, इसका जो एक वाला एक एलिमेंट है वो एक एलिमेंट तो पार्टिसिपेंट कर रहा है किसी दूसरे ग्रुप में, लेकिन दूसरा एलिमेंट नहीं कर रहा, ओके। तो आपको कोई ऐसा ग्रुप हो, ओके, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जो हो वो किसी और ग्रुप का पार्टिसिपेंट ना हो, तब उस ग्रुप को आप कंसिडर कर सकते हो, उस ग्रुप को आप रिडंडेंट ग्रुप नहीं कर सकते। रिडंडेंट ग्रुप तभी होगा जब उसके सारे के सारे एलिमेंट एक भी नहीं होना चाहिए, एक भी सारे के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेंट होना चाहिए किसी दूसरे ग्रुप का, तब उस केस में आप उसे रिडंडेंट ग्रुप कह देते हो। अगर बाय चांस आपने, जैसे आपने आठ का ग्रुप बनाया, ओके, आपने एक हेक्स फॉर्म कर लिया और उसमें से सात तो पार्टिसिपेंट है लेकिन एक जो है वो पार्टिसिपेंट नहीं है, तो उस केस में वो एक रिडंडेंट ग्रुप नहीं होगा, ओके। तो रिडंडेंट ग्रुप मैंने आपको समझाया, उसे आप बुलियन एक्सप्रेशन लिखते वक्त कंसिडर नहीं करोगे, ओके। तो ये हमने स्टेप फोर की बात कर ली, और स्टेप थर्ड ही हमने डिस्कस कर लिया, ओके। अब बात करते हैं एक बुलियन एक्सप्रेशन से आप एक के मैप कैसे ड्रॉ करोगे, तो के मैप कैसे ड्रॉ करोगे एक बुलियन एक्सप्रेशन से, वो देखते हैं। जैसे कि हम सपोज करते हैं हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन है, जैसे हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन है ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार, ओके। तो ये हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन है, ओके। तो इस बुलियन एक्सप्रेशन को आप देख के बता सकते हो ये किस फॉर्म में है, ये है हमारा एस ओ पी, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट
फॉर्म में है, ओके। तो बुलियन एक्सप्रेशन या तो एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हो सकता है या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में हो सकता है, ओके। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ एसओपी की। अगर आपका कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन एसओपी के फॉर्म में दिया हुआ तो आप उसका के मैप कैसे ड्रॉ करोगे? तो के मैप आपको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप था आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। तो अगर इसमें वेरिएबल आइडेंटिफाई करूँ तो मेरे पास कितने वेरिएबल है? तीन वेरिएबल है मेरे पास, बेसिकली तीन वेरिएबल है। कौन कौन से? ए, बी और सी। तो मैं करता हूँ यहाँ से वेरिएबल लिख देता हूँ ए और यहाँ पे लिख देता हूँ बी सी। तो मैंने नीचे ड्रॉ किया वेरिएबल ए और ऊपर क्या है बी सी, ओके। तो अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल है तो उसके कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? सिंगल वेरिएबल के लिए आपके दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, जीरो या वन, ओके। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? जीरो या वन। तो ये मैंने लिख दिया नीचे वाले इस पार्ट के लिए, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है जीरो या वन, तो मैंने लिख दिया जीरो वन। आपको पैटर्न फॉलो करना है जीरो वन, ओके। अब बी सी, बी सी मेरे पास कितना है? दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? जीरो वन, वन जीरो, वन वन, जीरो जीरो। तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटी है। इन पॉसिबिलिटी को एक सर्टेन पैटर्न में लिखा जाता है, कैसे? जैसे 00 01 1110, ओके। तो ये पॉसिबिलिटी है बी सी के होने की, 00 हो सकता है, 01 हो सकता है, 11 हो सकता है, या 110 हो सकता है। तो इन पॉसिबिलिटी को आप एक सर्टेन मैनर में फॉलो करना। अगर आप इस मैनर को या ऑर्डर को चेंज करते हो तो आपका बुलियन एक्सप्रेशन आपके डिजायर्ड मैनर में नहीं आएगा, आपका आउटपुट गलत आएगा, ओके। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये हमने क्या कर दिया, एक के मैप कैसे ड्रॉ करना है वो बताया मैंने आपको। अब बात करते हैं इसके अंदर एलिमेंट कैसे फिल करना है। तो एलिमेंट कैसे फिल करोगे, तो उसके लिए मैंने एसओपी में क्या बताया था, एसओपी में बताया था कि अगर आपके पास कोई भी जब आप बुलियन आप क्या करते हो एसओपी में, जो आपका ए बार जो होता है, ए बार को आप जीरो लिखते हो, जीरो को ए बार लिखते हो और ए को वन लिखते हो, ये बताया था मैंने आपको। तो इसका मतलब अगर ए बार यहाँ पर है तो उसका मतलब क्या हुआ, ए के जीरो और बी बार का मतलब जीरो और सी बार का मतलब जीरो। तो यानी ए बार, बी बार, सी बार का मतलब क्या हुआ, आपका जो आउट जो आपका इनपुट था वो क्या था, जीरो 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 था। आपका इनपुट क्या था, जीरो जीरो जीरो, ओके। और इसको हमने मैंने आपको बताया था सम करते वक्त सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को सम किया जाता है जिसके लिए आपका जो आउटपुट होता है वो वन होता है। यानी अगर मेरे पास एक इनपुट है 000 तो उसके लिए आउटपुट क्या होगा, वन होगा। तो उसके लिए आउटपुट क्या होगा, वन होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, 000 000, ये मेरे पास क्या मिलेगा, इनपुट, और इस इनपुट की कॉरस्पॉन्डिंग मेरा आउटपुट क्या था, वन, ओके। 000 इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा आउटपुट क्या था, वन, ओके। अब बात करते हैं इसमें, इसके लिए ए बार का मतलब जीरो, बी का मतलब वन, सी बार का मतलब जीरो। अब 010, ओके, इसका मतलब इस इनपुट के लिए आपका आउटपुट क्या होगा, वन, क्योंकि हमने एसओपी में उन्हीं टर्म्स को ऐड किया था जिनके लिए आउटपुट वन था, ओके। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका आउटपुट होगा क्या होगा, वन होगा। 010 010 010, इसके लिए आउटपुट वन। अब बात करते हैं इसका 011 011 011, अब इसका 110 110 110 110, तो ये मैंने क्या लिख दिया, मैंने के मैप ड्रॉ कर दिया। अब थर्ड और फोर्थ स्टेप को आपको फॉलो करना है और इसे सॉल्व करना। तो फॉलो इस तरह से हमने क्या कर दिया, के मैप को ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद हम थर्ड और फोर्थ स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ग्रुप फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। हेक्स, हेक्स क्या फॉर्म किया जा सकता, नहीं, क्योंकि इसमें एलिमेंट ही चाह रहा है, तो आप हेक्स फॉर्म नहीं कर सकते। क्वाड, क्वाड भी फॉर्म नहीं सकते, दिख रहा है अब, तो क्या फॉर्म कर सकते हैं, पेयर, पेयर आप फॉर्म करने की कोशिश करो। तो पहला पेयर क्या फॉर्म होगा, अगर मैं पहला पेयर देखूं तो सबसे पहला पेयर ये होगा, उसके बाद ये एक पेयर फॉर्म हो गया। उसके बाद मैं ये वाला पेयर फॉर्म कर सकता हूं, मैं एक ये पेयर हो जाएगा मेरे पास, ओके। उसके बाद और कोई पेयर, एक पेयर ये हो जाएगा मेरे पास, ओके। इसके बाद कोई और पेयर, और एक पेयर मेरे पास ये हो जाएगा, बस यही पेयर फॉर्म हो रहे हैं मेरे पास, ओके। और कोई अगर पेयर फॉर्म करता है तो रिडंडेंट ग्रुप हो जाएगा, ओके। तो मेरे पास ये पेयर फॉर्म हो गया, 1 2 3 1 2 3 3 पेयर मेरे पास फॉर्म हो गए, ओके। और कोई भी इसमें रिडंडेंट ग्रुप आप फॉर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आप अगर करते हो तो वो देख लेना, अगर उसके सारे एलिमेंट एक दूसरे के जनरली वो क्या होंगे, एक दूसरे के एक दूसरे ग्रुप के पार्टिसिपेंट होंगे, ओके, वो रिडंडेंट ग्रुप होगा, ओके। तो इस तरह से मैंने ग्रुप फॉर्म कर दिया। ग्रुप फॉर्म करने के बाद अब मैं करता हूँ, इस ग्रुप फॉर्म करने के बाद इसे बुलियन एक्सप्रेशन में लिखता हूँ। तो वो कैसे लिखना, वो ध्यान देने वाली बात है, ओके।
तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप ग्रुप में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हो, आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हो, तो अगर आपका वेरिएबल 0 to 1 चेंज हो रहा है या 1 to 0 चेंज हो रहा है, तो आप उस वेरिएबल को नहीं लिखोगे. ओके, अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हो और आपका वेरिएबल चेंज हो रहा है 0 to 1 या 1 to 0, तब उस केस में आप उस वेरिएबल को इंक्लूड नहीं करोगे बुलियन एक्सप्रेशन में. ओके, सेम चीज वर्टिकल डायरेक्शन में भी होता है. अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, चेंज हो रहा है वेरिएबल, तो आप उसे इंक्लूड नहीं करोगे. ओके, तो मैं स्पेयर के लिए सबसे पहले लिखता हूँ. स्पेयर के लिए अगर लिखूँ तो मेरे पास, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करूँ तो मेरा बी तो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि 1 to 1 मूव कर रहा है, लेकिन सी चेंज हो रहा है 1 to 0. इसका मतलब मैं सी नहीं लिखूंगा, बी लिखूंगा. बी क्या होगा मेरे पास, बी और मेरा क्या है 1 है, तो 1 के लिए बी होगा. ओके, ये तो मैंने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर दिया. मेरे पास वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता क्योंकि जो भी आपका पेयर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक में है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो ए है वो क्या है, ए बार, क्योंकि वो 0 0 के लिए ए बार आता है. तो मैंने फर्स्ट ग्रुप के लिए लिख दिया. अब सेकंड ग्रुप के लिए लिखते हैं, ये मेरे पास सेकंड ग्रुप है. अगर मैं सेकंड ग्रुप में देखूं तो मेरे पास क्या है, वर्टिकल में सिर्फ एक ही ब्लॉक है. वर्टिकल में क्या, मेरे पास जनरली एक दो ब्लॉक है. मेरे पास वर्टिकल में दो ब्लॉक है और वो ब्लॉक किसी कॉरस्पॉन्डिंग, ए के कॉरस्पॉन्डिंग है, और ए क्या है, चेंज हो रहा है, तो इसीलिए ए मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ए चेंज हो रहा है. हॉरिजॉन्टल में अगर मैं देखूँ तो हॉरिजॉन्टल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक है, इसका मतलब उसमें हम चेंजेस की बात ही नहीं कर सकते. इसीलिए बी क्या है मेरे पास, बी 1 है, तो बी, और सी क्या है मेरे पास 0, इसका मतलब सी बार. ओके, तो मैंने सेकंड के लिए भी लिख दिया. अब थर्ड पेयर देखते हैं. थर्ड पेयर मेरे पास ये है, तो इसमें सबसे पहले मैं इस यहां से यहां मूव कर रहा हूं. क्या कर रहा हूं, मैं इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में मूव कर रहा हूं हॉरिजॉन्टली. तो मैं देखूंगा तो 0 to 0 0 to 1 बी चेंज हो रहा है, लेकिन 0 to 0 सी चेंज नहीं हो रहा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सी बार, क्योंकि 0 है तो सी चेंज नहीं हो रहा, इसलिए मैंने सी बार लिखा, 0 है इसलिए. और इसमें अगर मैं देखूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी ब्लॉक चेंज नहीं हो रहा, वो सिर्फ और सिर्फ 0 यानी 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है एक ही ब्लॉक में, तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका वेरिएबल लिखोगे क्या होगा, ए बार. ओके, तो इस तरह से आप एक बुलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हो. ओके, तो आपको ध्यान रखना है के मैप यूज किया जाता है किसके लिए, बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए. ओके, अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के. नंबर सिस्टम में क्या होता है, कैसे उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो देखते हैं हम एक बार. नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, तो हमारे पास तीन नंबर सिस्टम कौन कौन से वो देख लेते हैं. पहला हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम. इसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इसमें 10 एलिमेंट होते हैं. ओके, जिसे हम ऐसे 10 एलिमेंट होता है, बेस भी कहा जाता है. इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, पहला एलिमेंट हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये हमारे पास 10 एलिमेंट होते हैं डेसिमल में. अब बात करते हैं हमारे पास जो दूसरा आता है, बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, दो नंबर होते हैं, कौन कौन से, 0 या 1. थर्ड है क्या, क्वाड नंबर सिस्टम. उसमें कितने वेरिएबल होते हैं, 4. क्वाड का मतलब ये तो 4, तो कौन कौन से, 0 1 2 3, तो ये हमारे पास वेरिएबल हो गए 0 1 2 3. ओके, अब 4 है हमारे पास. एक मिनट, क्वाड नंबर सिस्टम में हमारे पास इतने नहीं होते हैं. क्वाड नंबर सिस्टम में हमारे पास कितना होता है, 15 होते हैं. क्वाड नंबर सिस्टम में 15 होते हैं, कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5. अब बात करते हैं हमारे पास थर्ड होता है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में, थर्ड होता है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास 8 होते हैं, ऑक्टल यानी 8. इसमें कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके, और फोर्थ होता है हमारे पास
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा नंबर में हमारे पास 15 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 के बाद 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से और 12 को सी डी ई एफ, एफ का मतलब 15, ओके। तो आपको 10 ना रिप्रेजेंट करके ए बी सी डी इस फॉर्म में लिखते हैं, 10 का मतलब ए और बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14, एफ का मतलब 15, ओके। अब बात करते हैं हम कैसे आप कन्वर्जेंस की बात करते हैं। बेसिकली आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम दिया जाता है, उससे आप कैसे बाइनरी में जाओगे, बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कन्वर्जेंस कैसे कैसे किया जाता है। तो अगर मैं कन्वर्जेंस देखूं, तो जैसे कि मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 12, 10 डेसिमल नंबर, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने आपको लिखवाया था 10, 10 का मतलब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने आपके पास नंबर थे, डेसिमल नंबर सिस्टम आपके पास 10 नंबर्स थे, तो इसीलिए 10 बेस में से 10 डाल दिया जाता है। अगर आप बाइनरी यूज करते हो, बाइनरी में कितने नंबर थे, 2, तो आपको बेस में 2 डालना पड़ेगा। अगर हेक्साडेसिमल यूज करते हो, 15 डालना पड़ेगा, ओके, 15 नॉट 15 एफ डालना पड़ेगा, ओके। तो इस तरह से आप 15, ओके, 15 डालना पड़ेगा, ओके। तो इस तरह से आप बेसिस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा नंबर सिस्टम है, ओके। तो 10 है यहाँ पे, 10 का मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम, ओके। अब इसमें क्या करता हूँ, मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ बाइनरी में, तो सबसे पहला जो कन्वर्जन है वो है हमारा बाइनरी टू डेसिमल टू डेसिमल टू बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हमारे पास अगर 12 है तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 12 को आपको डिवाइड करना है 2 से, 2 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अगर 2 को 6 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0, अगर 2 को 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, ओके। अब फिर आपको अपवर्ड मूव करना है, तो आपका जो इसका इक्वलेंट जो होगा बाइनरी सिस्टम में, वो क्या होगा, 1 1 0 0 1 1 0 0, क्या होगा ये आपके पास बाइनरी में, 2 का मतलब बाइनरी सिस्टम में, ओके। तो इस तरह से आप डिवाइड करके आप बाइनरी सिस्टम में लिख सकते हो। क्या हमें, जैसे कि हमारे पास एक और है, हमारे पास 10 2 5, मेरे पास है 24.25, ओके, ये मेरे पास डेसिमल में है, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, कन्वर्ट करना है इसे बाइनरी में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ये बिना डेसिमल वाला जो पार्ट है उसे सबसे पहले करना है, बिना डेसिमल इसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक काम कर, 20 प्लस 0.25, ओके। तो इसको आपको सॉल्व करना आता है, इस कैसे आप बाइनरी निकालोगे मैंने आपको बताया, जो डेसिमल वाला पार्ट है उसे बात देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो 12 रिमाइंडर 0, 6 रिमाइंडर 0, 2 3 रिमाइंडर 0 और रिमाइंडर 1। तो इस तरह से आप अपवर्ड मूव करो तो इसका जो बाइनरी कन्वर्जन होगा 24 का वो कितना होगा आपका, हो जाएगा 1 1 0 0 0, ओके। तो इस तरह से आप 24 का बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हो 10। अब बात करते हैं डेसिमल पॉइंट का, डेसिमल का आप कैसे करोगे, डेसिमल वाले का तो आपको कुछ नहीं करना, 0.25 है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना, 0.25 है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 0.5, ओके। 0.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे जो पॉइंट लिखना है वो क्या लिखना है, जो डेसिमल वाला पॉइंट, जो डेसिमल के बाद जो भी आपका इंटीजर है वो लिखना है। तो डेसिमल के पहले, ये वाला जो डेसिमल का इसमें कह रहा हूँ, डेसिमल का पहला, इसे अगर डेसिमल के पहले देखो तो कौन सा हमारा इंटीजर है, 0, ओके। अब दोबारा से 0.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 1, ओके, 1.0। तो हमारे पास डेसिमल के बाद कितना, कौन सा इंटीजर है, 1, तो इसका मतलब 1, ओके, ओके। तो आपको ये जो मल्टीप्लीकेशन है तब तक जारी रखना है जब तक कि आपका जो रिजल्ट आ जाए 1 आ जाए, जब तक कि आपका रिजल्ट 1 ना आ जाए तब तक आपको डिवाइड करते जाना, मल्टीप्लाई करते जाना है, और जो भी आपका ये जो इंटीजर है डेसिमल से पहले उसको साइड में लिखते जाना है, और जब आपका 1 आ जाए तो आपको क्या करना है, अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करना है, क्या करना है आपको, डाउनवर्ड मूव करना, और आपको इक्वलेंट लिख दो, इसका 0.25 का इक्वलेंट हो जाएगा कितना,
वो हो जाएगा हमारा 0.01 और इसे ऐड कर दो। तो अगर आप 24.25 का इक्वलेंट लिखो तो क्या हो जाए 11000, ये तो उसका हो गया 0.01, ये आपका क्या हो गया, ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास डेसिमल, अगर आपके पास डेसिमल में, अगर आपको डेसिमल नंबर दे दिया जाए तो क्या करना, सबसे पहले बिना डेसिमल वाला पॉइंट करोगे, उसे दो से डिवाइड करते जाओ और रिमाइंडर जो भी बच रहा है उसको आप अपवर्ड मूव करते हुए लिख दो, जैसे कि मैंने लिखा। उसके बाद जो डेसिमल वाला पॉइंट है उसे दूर से मल्टीप्लाई करते जाओ, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो भी इंटीजर बचता है डेसिमल से पहले वाला उसे साइड में लिखते जाओ, और आपको मल्टीप्लीकेशन तब तक जारी रखना जब तक कि आपका आंसर फाइनल आंसर 1 ना आ जाए, और फिर आपको डाउनवर्ड मूव करना है 0 to 1, और उसे लिख दो 0.01, जीरो लिखा 0.01, और इसे उसमें जो बिना डेसिमल वाला नंबर था उसमें ऐड कर दो। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं आप डेसिमल टू ऑक्टल कैसे मूव करोगे, डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल डेसिमल टू ऑक्टल मूव करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको डेसिमल टू ऑक्टल मूव करना है तो आपको डेसिमल टू बाइनरी जाना होगा, बाइनरी टू ऑक्टल जाना होगा। तो मैंने आपको, तो ये सबसे पहले इसका जो रूट होगा वो क्या होगा, बाइनरी में जाओ आप, बाइनरी में जाके फिर आप ऑक्टल में मूव करोगे। तो डेसिमल टू बाइनरी मैंने कैसे आते हैं, कैसे कन्वर्जन है, कैसे कन्वर्ज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपको पता है। मैं बात करता हूँ बाइनरी टू ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो जैसे आपको पास एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 1001001, ये आपके पास सपोज करो कोई बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर है मेरे पास, तो उसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से इस साइड से 3-3 इंटीजर्स का पेयर बनाना है। तो 100 एक पेयर बन गया, उसके बाद एक ग्रुप और बनाओ 100, पेयर नहीं है क्योंकि ये पेयर से दो का होता है, ये ट्रिपलेट है। तो आपको क्या करना है, ट्रिपलेट बनाना है 100 फर्स्ट ट्रिपलेट, 100 थर्ड ट्रिपलेट। अब यहाँ पे सिर्फ वन बच रहा है तो आपको क्या करना है, इससे 00 ऐड कर लो, क्योंकि आप जीरो कितना भी ऐड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इस तरह से ये मेरे पास थर्ड ट्रिपलेट आ गया। आप क्या करना है, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना है। अगर आप इसको देखो इसको, तो आप कैसे लिखोगे, आपको पता होना चाहिए। एक इससे, इसे बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कैसे जाया जाता है, बाइनरी टू डेसिमल, उस बाइनरी टू डेसिमल बताने के बाद वो बताना ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपके पास एक नंबर है जैसे 001001, ओके, और आपको डेसिमल में जाना है तो क्या करोगे आप, डेसिमल में मैं एक जनरल लेता हूँ 002 0011। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, डेसिमल में लिखने के लिए आप क्या करोगे, डेसिमल में लिखने के लिए इसका जो डेसिमल होगा 1 into 2 to the power 1 into, यहाँ से स्टार्ट करो 1 into 2 to the power, ये हमारा कितना है, ये जीरो लो इसे, क्योंकि यहाँ पे जो काउंटिंग स्टार्ट होती है जीरो से स्टार्ट होती है। 2 to the power 0 प्लस 1 into 2 to the power, ये हमारे पास क्या है, जीरो है, 0 into 2 to the power 1, आगे बढ़े, आगे बढ़े, प्लस 0 into 2 to the power 2 प्लस 1 into 2 to the power 3 प्लस 0 into 2 to the power 4 प्लस 0 into 2 to the power 5 प्लस 1 into 2 to the power 6 प्लस, ये तो हमने इसके लिए लिख दिया। अब 1 into 2 to the power 0 0 into 2 to the power 1 0 into 2 to the power 2 1 into 2 to the power 3 0 into 2 to the power 4 0 into 2 to the power 5 1 into 2 to the power 6, ये तो मैं बिना डेसिमल वाले लिख दिया। अब डेसिमल वाले पार्ट के लिए आपको क्या करना, जो आप मूव कर रहे थे ना 1 2 3, आप उसे नेगेटिव में ले जाओ। ओके, तो 0 into 2 to the power -1 -1 यहाँ से होगा क्योंकि ये 0 ऑलरेडी था, तो इधर जब आप जाओगे तो -1 प्लस 0 into 2 to the power -2 प्लस 1 into 2 to the power -3 प्लस 1 into 2 to the power -4। तो इस तरह से आप इसे सिंप्लीफाई करके आप डेसिमल में ले सकते हो। ओके, तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये कितना हो गया मेरा 1 प्लस ये 0 हो गया, ये मेरे पास 8 प्लस
ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया टू टू पावर सिक्स हो गया, ये मेरे पास जीरो जीरो, और ये मेरे पास क्या होता है टू टू पावर माइनस थ्री प्लस टू टू पावर माइनस फोर। अगर आप इस सबको ऐड कर दोगे तो आपको इसका जो कि बाइनरी में था उसका आपका डेसिमल फॉर्म मिल जाएगा। ओके, तो ये मैंने बात कर ली बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल में बाइनरी टू डेसिमल में जाने के लिए आपको बस पावर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू टू पावर जीरो, टू टू पावर वन, टू टू पावर टू, और ये जो वन जीरो होगा ये बेसिकली बाइनरी नंबर के पैटर्न पे डिपेंड करेगा। ओके, तो ऊपर को देखते हैं, ऊपर वाले को अगर मैं देखूं तो बाइनरी टू मैं ऑक्टल कैसे जाऊंगा, मैं अगर मैं बाइनरी टू ऑक्टल जा रहा है तो मेरे को ट्रिपलेट मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब इसे क्या करना है, इसका आप डेसिमल इंडिविजुअल कैलकुलेटर 001 एक अलग ले लिया, 001 एक अलग ले लिया, 001, तो ये बेसिकली मेरे पास तीन ट्रिपलेट है, यही है मेरे पास। ओके, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इसको देखूँ इसका डेसिमल निकालूँ तो क्या होगा, इसका 1 इंटू टू द पावर 0, 0 इंटू टू द पावर 1, 0 इंटू टू द पावर 2। ओके, अगर इसका डेसिमल निकालूँ तो क्या मिलेगा मुझे 1, इसका डेसिमल सेम 1, इसका डेसिमल 1, तो आपको इंडिविजुअली लिखना है इसका डेसिमल 1 1 1 1 1 1, तीनों का आपने ट्रिपलेट का डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल दिया 1 1 1। ओके, और फिर आपको यही आपका ऑक्टल कन्वर्जन होगा। तो इसका जो अगर मैं जैसे कि था मेरे पास 001001001, ये मेरा क्या था बाइनरी में था, इसका अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास ये होगा 8। ओके, तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया 111 ऑक्टल में। आपको ऑक्टल से इसमें जाना हो तो क्या करना है, 1 है आपका, 1 है तो अगेन 1 को आप लिखो 001 ट्रिपलेट फॉर्म में लिखो, 1 इसका 001 इसका 001। ओके, तो इस तरह से आप बाइनरी में जा सकते हो, और फिर ये सारी चीज़ें आप, तो ये आपका होगा बाइनरी में। ओके, अब मान ले सपोज करो 1 2 3 है, तो 1 को क्या लिखोगे 001 और 2 को क्या लिखोगे 010 और 3 को 011। तो इस तरह से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी में, और इसका ट्रिपलेट फॉर्म करके आप जा सकते हो ऑक्टल में। ओके, अब बात करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल की, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल, तो वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो वो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में, बाइनरी जाओ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में चले जाओ, डेसिमल टू बाइनरी में जाओ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी बता दिया मैंने, आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे जाते हो बात करते हैं। तो बाइनरी में लेट सपोज करो आपके पास एक बाइनरी नंबर है 11100, ओके आपके पास बाइनरी नंबर, तो हमने ऑक्टल में क्या किया था ट्रिपलेट फॉर्म किया था, इसमें हम क्वाड फॉर्म करेंगे यानी फोर नंबर का ग्रुप फॉर्म करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे इधर से एंड स्टार्ट करते हैं, हम चार नंबर का एक ग्रुप फॉर्म कर लिया मैंने, यहाँ पे एक फोर इंटीजर का ग्रुप फॉर्म कर लिया, और यहाँ पर एक जीरो ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये मैंने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया। ओके, तो अगर इसका मैं बाइनरी इक्विवेलेंट डेसिमल इक्विवेलेंट निकालूं तो क्या होगा 1 प्लस 2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 4, इसका मतलब 8, अगर क्योंकि क्या टू टू पावर 0, टू टू पावर 1, टू टू पावर 2, टू टू पावर 3। ओके, तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो इस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 4 से और 1 को 8 से। तो अगर मैं इसका देखूं तो 0 इंटू 1 1 0, 0 इंटू 2 0, तो हमारे पास बचा क्या 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 12। ओके, हम हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में 12 को हमने क्या लिखा था, हमने 10 को कहा था ए, 11 को कहा था बी, और 12 को कहा था सी, तो यहाँ पे 12 ना लिख के हम क्या लिखेंगे हेक्साडेसिमल के नंबर में सी। ओके, अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है, ये हमारे पास है 1 2 4 8, यानी ये तो सारे जीरो हो गए, 4 और 2 तो जीरो हो गए, 8 प्लस 1 9 9 9 को 9 लिखा जाता है। अब इसकी बात करें तो इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाएगा 2, क्योंकि 1 0, ये हमारे पास 1 है 2 4 8, ये तो जीरो हो गए, बचा क्या 2, तो ये इस तरह से आप 2 9 C आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसे लिखोगे तो 2 9 C इन इन हेक्साडेसिमल, तो ये क्या आ गया आपका हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल।
ओके, हेक्साडेसिमल मैंने आपको 15 लिखवा दिया था, उसे आप करेक्ट कर सकते हैं, वो 16 होता है, हेक्साडेसिमल 16, हेक्सा का मतलब 16, ओके, तो वो मैंने 15 गलती से लिखवा दिया, 16 होता है, ओके, तो इस तरह से आप डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जनरली काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा जल्दी कराया, ओके, इस पर क्वेश्चन काफ़ी आसान आते हैं, और ये सारी चीज़ें आपने 11th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ी है, तो इसमें इन सारी चीज़ों को समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और आपको एक असाइनमेंट दे दिया जाएगा, आप उसे सॉल्व करें। थैंक यू।